हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जाम ग्रेट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैकेंसीज जो कि निकली हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से तो यहाँ पे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं एडवर्टीज़मेंट नंबर गिवन है उसी के साथ एडवर्टीज़मेंट की डेट गिवन है थर्टीन अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए हैं टीचिंग पोस्ट में आपका प्रोफेसर की पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट से वैकेंसीज हैं वहीं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए लाइब्रेरियन डिप्यूटी लाइब्रेरियन असिस्टेंट लाइब्रेरियन और मेडिकल ऑफिसर फीमेल इनके लिए अवेलेबल हैं साथ में लास्ट डेट है अप्लाई करने की ट्वेंटी नाइन मई ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो लास्ट डेट ट्वेंटी नाइन मई ट्वेंटी टू तक आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है इसी के साथ और डिटेल यहाँ पे चेक करते हैं डिटेल एडवर्टीज़मेंट गिवन है तो यहाँ पे ये एडवर्टीज़मेंट नंबर सेम गिवन है डेट गिवन है आपके एडवर्टीज़मेंट नंबर की और यहाँ पे ऑनलाइन अपलिकेशन इनवाइट की हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स किन किन पोस्ट के लिए प्रोफेसर की पोस्ट के लिए पे लेवल गिवन है यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए यहाँ पे नीचे आपको वैकेंट पोजिशन गिवन है कौन कौन से डिपार्टमेंट से आपकी वैकेंसीज हैं और किस किस डिपार्टमेंट से किस पोस्ट के लिए वैकेंसी हैं यहाँ पे गिवन है साथ में फ़िजिकल रिक्वायरमेंट यहाँ पे इन्होंने बोला है यहाँ पे एव्रिवेशन गिवन है उनके नीचे फुल फॉर्म गिवन है आपको स्टैंडिंग वॉकिंग ऐसा करके कुछ यहाँ पे साथ में आपका कैटेगरी ऑफ डिसेबल्ड अगर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे कैटेगरी गिवन है उनके भी फुल फॉर्म आप नीचे चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे टोटल आप डिपार्टमेंट पोस्ट फिजिकल रिक्वायरमेंट के साथ आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं तो यहाँ पर आप जैसे ही चेक करोगे तो टोटल जो है आपका ऑलमोस्ट फोर्टी नाइन डिपार्टमेंट में पोस्ट आपकी निकली हैं ठीक है तो चेक कर लेना किस किस पोस्ट के लिए कौन सा आपका डिपार्टमेंट से निकली है इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे बोला है इनसे पहले भी इन्होंने एक एडवर्टीज़मेंट निकाला था किन किन के लिए जो यहाँ पे सीरियल नंबर गिवन है फोर फाइव सेवन नाइन थर्टीन सिक्सटीन ट्वेंटी थ्री जो ऊपर गिवन थे बायोकेमिस्ट्री कंप्यूटर कुछ टेक्नोलॉजी ये सीरीज में जो डिपार्टमेंट गिवन है इनके लिए ऑलरेडी एक बार एडवर्टीजमेंट निकल चुका था तो जिन भी कैंडिडेट ने वहाँ अप्लाई कर दिया था तो उनको दोबारा से अब अप्लाई करना होगा ठीक है वो वाला एप्लीकेशन आपका कैंसिल हो चुका है तो आपको नए वाले एडवर्टीज़मेंट के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है बट यहाँ पे आपको फ़ीस नहीं पे करनी है ठीक है तो आप एग्जाम्ट हो जाओगे फ़ीस पे करने से एप्लीकेशन फ़ीस क्योंकि आपने ऑलरेडी पे कर दी बट आपको अप्लाई दोबारा से यहाँ पर करना होगा उसी के साथ सबके लिए यहाँ पे बोला है डोंट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू यूनिवर्सिटी तो कोई भी हार्ड कॉपी आपको यूनिवर्सिटी को सेंड नहीं करनी है ठीक है बट आप अपने पास रख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने फ़िल किया है उसका प्रिंट आउट अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए ठीक है फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो उसके लिए आप अपने पास अपने एक प्रिंट आउट रख लेना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ़िल करने का बाकी यूनिवर्सिटी को कोई हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है एप्रीविएशन जो ऊपर गिविन थे यहाँ पे हैं वो एस फोर सिटिंग एस टी फोर स्टैंडिंग डब्ल्यू फोर वॉकिंग तो ये सब कैटेगरी यहाँ पे चेक कर लेना कौन कौन सी एप्रीविएशन आपके लिए हैं सूटेबल और उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हो या नहीं हो ठीक है इसी के साथ यहाँ पे नीचे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस भी गिवन है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए तो सबसे पहला है आपका कि यूजीसी के जो रेगुलेशंस हैं ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन फ़ॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस 2018 के अकॉर्डिंग वो आपको चेक करना है उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल होने चाहिए साथ साथ में यहाँ पर बोला है कि यू जी सी रेगुलेशन ट्वेंटी एटी के साथ साथ अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़िजिकल एजुकेशन से अप्लाई कर रहे हैं कैंडिडेट तो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन जो होनी चाहिए वो एन सी टी ई रेगुलेशन ट्वेंटी फोर्टीन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन उसी के साथ अगर फार्मास्यूटिकल साइंस से अप्लाई कर रहे हैं तो यू जी सी के फर्स्ट वाले क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए एज़ पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यहीं अगर आप कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के साथ साथ आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए ए के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वहीं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और नेट या पी होनी चाहिए आपकी कॉमर्स सब्जेक्ट में ठीक है और नीचे यहाँ पे अप्लाइड एग्रीकल्चर के लिए फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या एग्री बिज़नेस स्पेशलाइजेशन में तो यहाँ पे आपका गिवन है तो फर्स्ट वाला तो आपका मैंडेटरी है यूजीसी के रेगुलेशंस उसके साथ साथ अगर आप इन डिपार्टमेंट से अप्लाई कर रहे हो तो आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे चाहिए यहाँ पे बोला है कि आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर ही जाके अप्लाई करना है कम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑफिशियल वेबसाइट पे उसके अलावा कहीं और से करोगे तो रिजेक्ट कर दी जाएगी एप्लीकेशन यहाँ पे कुछ यूज़फुल वेब लिंक दिए हैं जैसे अभी बताया था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट यूजीसी के रेगुलेशंस क्या हैं अपॉइंटमेंट के लिए ठीक है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं चेक कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी एन रेगुलेशंस क्या हैं 2014 की यहाँ से चेक कर सकते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के रेगुलेशन चेक कर सकते हैं और आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के रेगुलेशन चेक कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर वेब लिंक से इंपॉर्टेंट जो ऊपर गिविन थे उनकी आप चेक कर सकते हैं डिटेल में फिर आपके जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है इस लिंक के थ्रू और ऑनलाइन लिंक आपका अवेलेबल होगा कब तक ट्वेंटी नाइन मई ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक तो लास्ट डेट है ये इसके साथ ये डिटेल में और इंस्ट्रक्शंस हैं नॉर्मल आप इनको रीड आउट कर लेना एक बार ठीक है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगी बट जनरल इंस्ट्रक्शनस हैं उनको आप रीड आउट कर लेना उसी के साथ एस सी एस टी ओ बी सी पी डब्ल्यू डी ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट जो हैं अप्लाई करने वाले उनको रेलिवेंट सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना होगा ठीक है अपने सर्टिफिकेट के साथ और एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो है आपकी सेवन फिफ्टी फोर ईच पोस्ट जिसमें कि अगर आप एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी या वुमेन कैंडिडेट्स हैं तो आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है इसके अलावा सबके लिए सेवन फिफ्टी है ईच पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए ठीक है किसी भी पोस्ट को आप अप्लाई कर रहे हो तो सेवन फिफ्टी अगर कोई जनरल जर्नल क्वायरी आपको इन्फॉमेशन पूछनी है कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको एड्रेस गिवन है यहाँ आप पूछ सकते हैं ईमेल गिवन है यहाँ पे ईमेल पे आप सेंड uh, कर सकते हैं अपनी क्वारी ठीक है यहाँ पे ओ के लिए यहाँ सर्टिफिकेट uh, है इसको फिल करना है अगर आप ओ कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला सर्टिफिकेट फिल करके आपको अपलोड करना है साथ साथ तो इसी के साथ आप एक और नीचे आ जाएगा एक और फॉर्मेट आपका अगर आप ओ से हैं तो ये वाला फॉर्मेट आपको फिल करके सबमिट करना है और अगर आप ई कैटेगरी से हैं तो ये वाला आपको फॉर्म सबमिट करके उसे अपलोड करना है ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम ठीक है इसी के साथ कैसे अप्लाई करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसे क्लिक करोगे आप ठीक है लिंक पे तो जैसे आप उस डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है उसको आप क्लिक करते हो वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लोगे एडवर्टीजमेंट और क्लिक करके आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुंच जाते हो यूनिवर्सिटी के जहाँ पे आपको टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो टीचिंग जॉब पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप आ जाओगे सबसे टॉप पर ही आपका ये वाला एडवर्टीज़मेंट गिवन है जहाँ पे डेट ऑफ एडवर्टीज़मेंट गिवन है साथ में हिंदी में अगर आप देखना चाहते हो एडवर्टीज़मेंट तो यहाँ पर वो भी ऑप्शन आपको गिवन है क्लिक हेयर पे इंग्लिश में चेक करना चाहते हो और जो डिटेल डॉक्यूमेंट है पूरा जो अभी हमने डिस्कस किया है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो डिटेल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके और ये आप पूरा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है यहाँ से आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन तो यहाँ से आप क्लिक हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं लिंक वाले ऑप्शन पे और यहाँ से अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉग इन करना है और रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर आप यहाँ फर्स्ट टाइम आप इस यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर रहे हैं ठीक है उसी के साथ लास्ट डेट है अप्लाई करने की ट्वेंटी नाइन मई ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो